हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश किचन। आज आलू बैंगन मसाला बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मसालेदार है। चपाती राइस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए मम्मी से इसकी रेसिपी पूछते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पोटैटो लिया है हमने और ये 250 ग्राम है और इसको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, देखिए ऐसे। और हमने बैंगन लिए हैं, ये भी 250 ग्राम है, इसको भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। इन दोनों को पानी में सोक करके रखना है, वरना ये कलर चेंज हो जाएगा, काला कलर हो जाएगा इसका। और हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको ऐसे चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लिए, इनको भी चॉप कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया और उसको पेस्ट बना लिया, ये 1 कप है। और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मसालों में हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सादा चिल्ली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर लिया है। और हमें चाहिए 3/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 3/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर लिया है। तड़के के लिए हमने लहसुन लिए हैं और उसको चॉप कर लिया है, ये 1 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून मेथी के दाने लिए हैं और 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और 1/4 टीस्पून हींग ली है। तो अब जो भी बर्तन में आप मसाला बनाना चाहते हैं उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दें, आंच मीडियम पर होनी चाहिए। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम बैंगन डाल देंगे और बैंगन को हमें 70% तक पका लेना है। इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। बैंगन को चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए बैंगन को 5-6 मिनट लगे 70% तक पकने में, बस इतना ही पकाना है, बाकी जो है ये मसालों में पकेगा। अब बस इसे निकाल ले प्लेट में और इसको साइड में रखे। अब उसी तेल में हम पोटैटोज डाल देंगे, आलूओं को डाल देंगे और आलू को हम फ्राई कर लेंगे। इसे ढककर हमें फ्राई कर लेना है, बीच बीच में इसे खोलकर चलाते हुए फ्राई कर लेना है। आलूओं को 80% तक पका लेना है, बाकी जो है मसालों में पकेगा। बीच बीच में ओपन करके इसे हिलाते हुए चलाते हुए फ्राई कर लेना है, वरना ये बर्तन के नीचे लगकर शायद जल सकता है, तो ध्यान रखें कि ये जले ना। तो देखिए आलू तैयार है। 8 मिनट लगे आलूओं को गोल्डन कलर होने में और 80% तक पका लिया है हमने। अब बस इसे निकाल ले और इसको भी साइड में रख दे। इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और मीडियम पे रखेंगे आंच को। और जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें जीरा और मेथी के दाने डाल देंगे। अब जब ये स्प्लटर हो जाए तो इसमें हम कटे हुए लहसुन डाल देंगे और लहसुन ब्राउन होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। तो देखिए लहसुन जो है कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1/4 टीस्पून जो हमने हींग लिया था वो डाल देंगे और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। ये जस्ट मिक्स होने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और मिक्स करके लहसुन अदरक का कच्चापन जाने तक हम इसे भून लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो हमने पहले इसमें हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डाला है, दोनों मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स कर लिया है। इसके साथ 1 टेबलस्पून पानी भी डाल देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें सौंफ का पाउडर और जीरा पाउडर डालेंगे और फिर से 1 टेबलस्पून पानी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है, जब तक कि तेल छूटने लगे, बाहर आने लगे। गरम मसाला पाउडर हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे।
मसाले देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल भी अच्छे से बाहर आने लगा है, कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जब ऐसा हो जाए तब इसमें हमने जो टमाटर पीस के रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे थोड़ा नमक भी डाल दें स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर और मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि ऑयल दिखने लगे बाहर। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं और तेल देखिए सेपरेट ऐसे निकलने लगा है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब पानी बॉईल होने लगे तब इसमें कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ आलू और बैंगन भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद जब ये बॉईल होने लगे तब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे ढककर 5 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर हमें दम पर पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद ढक्कन निकाल दे और खुला रखकर ही इसे पका ले जब तक ये ऑयल सेपरेट होने लगे। तो अब देखिए मसाले जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है और आलू बैंगन सब पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हरा धनिया डालकर मिक्स कर ले और बस गैस ऑफ करें और इसे सर्व करें। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार आलू बैंगन मसाला रेडी है। अब इसे सर्व करें और रोटी दाल चावल के साथ इन्जॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी है, मसालेदार है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।